हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी शाह की सरकार को राहुल गांधी जी का मखौल उड़ाने के अलावा और क्या है। राहुल जी की एक एक बात सही निकली है। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ हैं बीजेपी नेता संजय बड़गुजर और कांग्रेस नेता निखिल व्यास। देखिए क्या कहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव माननीय दिग्विजय सिंह ने आज मोदी जी और अमित शाह पर प्रश्न उठाया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या राहुल जी और सोनिया गांधी ने कोविड के लिए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कोई प्रयास किए? अगर किए तो जनता के बीच में जाएं और जनता को बचाएं, व्यर्थ की बातें ना करें। इस समय पूरा देश मोदी जी और साहब के साथ है। उन्होंने पिछले लॉकडाउन में भी करोड़ों लोगों की जान बचाई थी और आज भी वे राष्ट्र की सेवा के लिए दोनों लोग समर्पित हैं। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी, आप और आपकी पार्टी के नेता हमेशा गांधी परिवार का मखौल उड़ाने में लगे रहते हैं। ना आपको देश, आपको जनता की चिंता है, ना देश की चिंता है, केवल आपको तो आपकी, आपने देश में ऐसी कोई उपलब्ध भी नहीं है जो जनता आपको याद रखे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी एवं राजीव गांधी जी ने देश में ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी और पूरे देश को हाईटेक बनाया है, जो संपूर्ण देश में सेना के हाथ को मजबूत किया है। माननीय राहुल गांधी जी, आपको मैं, राहुल गांधी जी ने आपको नोटबंदी, GST, कोरोना महामारी से पहले ही अवगत कराया था, पर आपकी हरकतों के कारण देश में कोरोना की महामारी से जूझ रहा है आपको न, और देश में लाशों को अंबा और देश में लाशों का अंबार लगा हुआ है। आप और आपकी पार्टी के नेता लाशों के ढेर के बैठ कर राजनीतिक कर रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है। आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाइए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।